कृषि उपज मंडी में गुलाब गेंद का मामला थम नहीं रहा है। इस बार फिर 3 बोरी उपज गायब हो गई जो कि मंडी के बाहर छोड़कर भाग गए। किसानों ने मंडी कमेटी के स्थानांतरण का मामला भी उठाया। नीमच शहर की कृषि उपज मंडी में लाल गुलाब गैंग फिर से सक्रिय हो गई है। इस गैंग के सदस्य प्रतिदिन किसानों के माल की हेरा फेरी कर रहे हैं। गत दिनों भी मंडी के सुरक्षा गार्डों ने चोरों की उपज के साथ इस गैंग के 2 हमालों को रंगे हाथ पकड़ा था। आज सोमवार को भी इस गैंग के सदस्यों ने किसान के ढेर में से 3 बोरी सोयाबीन को अलग कर दिया, लेकिन पड़ोसी किसान की सतर्कता से गैंग के हमाल उपज ले जाने में असफल है और खुद मौका पाते ही रफू चक्कर हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान की बड़ी सादड़ी के ग्राम जाटों का खेड़ा से सोमवार को किसान अनिल सोयाबीन लेकर मंडी पहुंचा था, जहां किसान ने नीलामी के लिए उपज का ढेर लगाया था। इसी दौरान तोल की प्रक्रिया के बीच लाल गुलाब गैंग के हमालों से किसान को भ्रमित किया गया और बारदान लाने के लिए भेज दिया। इसी बीच गैंग के अन्य साथियों ने उक्त ढेर में से 3 बोरी अलग निकाल ली और उसे पानी की टंकी के पास रख दी। जब किसान पुनः ढेर पर पहुंचा तो पड़ोसी ढेर के किसान ने उसे समूचे घटनाक्रम से अवगत कराया। इस दौरान मौका पाते ही लाल गुलाब गैंग के सक्रिय सदस्य वहां से रफू चक्कर हो गए। जानकारी मिलते ही मंडी के सुरक्षा गार्ड गणपत गुर्जर, शांतिलाल गुर्जर व अन्य मौके पर पहुंचे और मंडी इंस्पेक्टर समीर दास को अवगत कराया। मंडी इंस्पेक्टर ने उपज को जब्ती में लेकर लाल गुलाब गैंग के सक्रिय सदस्यों को पकड़ने के निर्देश जारी किए, साथ ही मंडी सचिव को भी जानकारी दी। किसानों ने लगाया मंडी सचिव व इंस्पेक्टर पर बड़ा आरोप। मंडी में आए दिन हो रही उपज की चोरी की घटना से परेशान किसानों ने मंडी सचिव सतीश पटेल व मंडी इंस्पेक्टर समीर दास सहित तमाम जिम्मेदारों पर आरोप लगाया। आरोप में उनका कहना है कि इनकी मिली भगत से ही मंडी में लाल गुलाब गैंग की सक्रियता दिखाई देने लगी है। यदि लाल गुलाब गैंग के हमालों पर कार्रवाई हो तो मंडी में उपज चोरी की घटना पर अंकुश लग सकता है। बावजूद मंडी प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबंध के बाद भी मंडी में आड़त प्रथा धड़ल्ले से चल रही है, इस ओर भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं।